यूपी के झांसी में बारात चढ़ने से पहले ही तब बात बिगड़ गई जब लड़के पक्ष ने दहेज में 8 लाख रुपए की मांग कर दी। स्वागत सत्कार में शराब की बियर की डिमांड रख दी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। नतीजा यह हुआ कि बाराती सजे बैठे रहे और लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे को शादी तोड़ने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पूरा मामला झांसी शहर कोतवाली इलाके के नई बस्ती का है। यहाँ के रहने वाले संतोष कश्यप के बेटे विशाल की शादी सिपरी बाजार के पाल कॉलोनी निवासी सोनम के साथ तय हुई थी। सगाई आदि की रस्में हो चुकी थी और 21 अप्रैल को बारात चढ़नी थी। दुल्हन सोनम का आरोप है कि आज लड़के पक्ष ने दहेज में अचानक 8 लाख रुपयों की मांग कर दी। दोपहर में दूल्हा विशाल अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ इसी सिलसिले में बात करने उनके घर आया। उनके परिवार वालों ने दूल्हे के साथ आए लोगों का सत्कार चाय नाश्ते से किया, लेकिन वह लोग बियर व शराब की मांग करने लगे। इस पर लड़की वालों ने मना कर दिया, साथ ही लड़की ने भी विरोध किया तो लड़के ने लड़की के साथ मारपीट कर दी और परिवार वालों से बदतमीजी की। विवाद बढ़ा तो लड़की सोनम ने शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं दूल्हे के पिता संतोष का आरोप है कि आज दोपहर दूल्हा व कुछ रिश्तेदार मैरिज हॉल में इंतजाम देखने गए थे, तभी दुल्हन पक्ष के लोग विवाद करने लगे। इसी बीच कुछ लोगों ने दूल्हे विशाल के साथ मारपीट करते हुए रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। मामला सर मेरे बेटे की आज की शादी थी। जिन बीच वालों ने ये संबंध कराया यही बगल में पड़ोसी है, मैं तो ये बिल्कुल उनको अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। उन्होंने रिश्ता बताया, हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई एक दूसरे के कर्तव्य में आता आदमी काम, तो इन्होंने उनकी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास नज़र में है परिवार, दो परिवार हैं जिसमें से आप देखना चाहो बच्चा जो तुम्हें पसंद आ जाए तो वो कर लीजिए। तो हमारे भूषण भाई हैं, हमारे बड़े पापा के लड़के, उनके यहाँ भी वो लोग गए, उनसे भी बातचीत हुई, उनको जवाब दिया कि हम आपको 2 महीने बाद जरा जे वाली शादी हो जाए आप भाई, फिर 2 महीने बाद हम इनकी शादी कराएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। और आज एक दुख भरी कहानी ये है कि आज हमारे बेटे को हल्दी लगी हुई, तिलक होना था, बारात लेके जाना था और हम लोग तैयारी करे थे बारात की। 2 घंटे बाद जब मैं उनके घर पे पहुंचा, मेरे बेटे को जो ना मारने की धमकी दी गई, मारा उसको बेचारे को, मैं भागा तुरंत यहाँ से अपना काम छोड़ के। और उनको मैंने दोनों को समझाया कि बेटा ये साड़ू है, ये तुम्हारे साड़ू भाई हैं, अगर तुमसे अगर इन्हें गाली बकली तो कोई बात नहीं, दोनों भाई भाई हो, तुम भी माफ कर दो। निपट गया मामला। फिर उसका बहनों कहता कि सम्मान हम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे भाई, आपका क्या चक्कर है इसमें, क्या आपको इनसे मिलना है, क्या आपने इनसे ले लिया, अगर कुछ लिया है तो आप मुझे बता दीजिए, हम पीछे हट जा रहे भैया, तुम शादी कर लो यार। निंदे अभी कुछ नहीं हुआ श्रीमान जी, मैं थाने क्या हुआ था, थाने में हमने अपनी बात रखी, वहाँ चौकी इंचार्ज ने साहब मेरी बात रखी, उन्होंने मेरा पक्ष रखा, बोले कहें भाई आप लोग टेंशन नहीं लो, दोनों पार्टी मिल के बात कर लीजिए। बात करने के बावजूद भी वो नहीं फैल गई। उनकी माँ, हमारा लड़का तैयार खड़ा हुआ है, हम जाने के लिए तैयार, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इस चीज को कह रहा हूँ। हाँ बोल दो, शादी उनने मना कर दी तो मुझे करना नहीं है, हम तैयार हैं, लेकिन हम मना नहीं कर रहे हैं। पहले हमने संबंध करा जब कुछ मांग नहीं थी, और फिर जिन पापा क्या दी तो फिर मांग करी तो हमने मांग भी पूरी कर दी उन्हें, और फिर भी अब भी 8 लाख की शादी मांगन लगी, फिर भी हमें लड़ा दमान का राशन ले भी, तो जिनने उतर गाली गुलौज करी बिने भी होना से इधर आए, तो जिनने बिने गाड़ी पैसे टेर उतारो, जिनने हाल बिने लड़न लगी उनसे, दुई दमान को जो गुथ गए लड़ गई, हम लोग ने बचाए बिने, और फिर लेके बस वो गाड़ बहुत आदमी बुला ला, कम से 100 आदमी आ गए होते थे, और फिर जिनने गाली गलौज दे के और चले गए थे। आ जाए तो बारात आने थी आज। हाँ लड़की की जब बेइज्जती करेगा यहाँ आके तो क्यों तैयार हुए, आज तो भी नित्ती बेइज्जती करी, कल के दिन और कुछ भी करेंगे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, हमने कहीं लिखा भी दो तो लिखा भी नहीं दे रहे थे। ये बहुत 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 लोग आए थे सुबह के टाइम लड़ने के लिए, तो हमारे दोनों जीवों को मारा, मम्मी पापा को भी मारा,
और मम्मी पापा तो गैर घुसे हो गए थे। फिर हमारे परिवार आए, जब उन लोगों ने बचाया और मम्मी पापा गाली दो, हमें मिली, हमें थप्पड़ मारे, 8 लाख की शादी चाहिए थी, यहीं पर आके मारा, मांग की शादी मांग रहे थे ना ये लोग। फिर सब लोग को मारा, फिर चलेगा, फिर गए से ऑर्डर सपोर्ट करिया हमारे, हम लोगों ने हमने नहीं कर दी, हमने मना कर दी, हमें थप्पड़ दाए और आके यहाँ पर।